नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लहसुनी पालक की सब्जी लेकर आई हूँ, वह भी होटल में डाले जाने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने 475 ग्राम पालक ली है। इसे अच्छे से छांट कर इसके खराब खराब पत्ते हटाकर वॉश कर लिया है और इसकी जो छोटी छोटी डंठियाँ थी वो मैंने रखी है और मोटी मोटी डंठल हटा दी है। अब हम पालक को ब्लांच कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, उसके बाद पालक को डालेंगे। चीनी डालने से पालक का कलर चेंज नहीं होता है। यहाँ पर जरूरी पॉइंट्स कि हमें पहले पानी में बॉईल आने देना है। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही चीनी और पालक ऐड करनी है और पालक को बस 2 मिनट ही बॉईल करना है हाई फ्लेम पर। और साथ में 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। याद रहे, हमें पालक को बस 2 मिनट ही बॉईल करना है वरना इसका कलर डार्क होता जाएगा। और साथ में हम आइस वाटर ठंडा पानी रेडी रखेंगे तो डायरेक्ट पालक उसमें डाल देंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस ऑफ कर दिया है और पालक को हम निकाल लेंगे। तुरंत इसे ठंडे पानी में मिला देंगे। हमें आइस क्यूब डालकर ठंडा पानी पहले से ही रेडी रखना है ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ब्लांच करने की प्रोसेस में यह ध्यान रहे कि हमें हाई फ्लेम पर बस 2 मिनट ही पालक को बॉइल करना है और तुरंत ठंडे पानी में डाल देना है, तो इससे कलर बढ़िया ग्रीन ही बना रहेगा। अब हम आधी से ज़्यादा पालक को ग्राइंड कर लेंगे और थोड़ी सी पालक बचा लेंगे, उसे बारीक बारीक काट लेंगे। ग्राइंड करने के लिए या तो आप ठंडा पानी यूज़ करें या आइस क्यूब यूज़ करें, तो भी इससे कलर बढ़िया ग्रीन बना रहता है। तो यह देखिए, इस तरह से हमने पालक को ग्राइंड कर लिया है और अब हम फ्राई कर लेते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे। आप बटर या घी भी ले सकते हो और उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और जीरे के बाद 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और इसे थोड़ी देर चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है ताकि ये लहसुनी पालक है तो लहसुन का फ्लेवर अच्छे से इसमें आना चाहिए। और लहसुन के बाद हम इसमें 1 छोटा टुकड़ा अदरक का कूट के डाल देंगे। या तो आप अदरक को इस तरह से हाथ से कूट ले या ग्रेट करके भी डाल सकते हो। थोड़ी देर इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। लहसुन और अदरक जलना नहीं चाहिए, इसे लगातार चलाते रहना है और हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जब लहसुन का कलर चेंज हो जाए तब उसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। प्याज को हाई फ्लेम पर फटाफट भून लेंगे। स्लो फ्लेम रखेंगे तो प्याज का पानी छूटने लगेगा और प्याज स्टीम होने लगेगी। लगातार चलाते जाए और गैस की फ्लेम हाई रखें तो प्याज फटाफट ब्राउन होती है। जब इस तरह से हल्का कलर चेंज हो जाए प्याज का, तब उसमें 2 छोटी चम्मच बेसन डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। बेसन डालने के बाद गैस की फ्लेम स्लो कर दें वरना बेसन जल सकता है। बेसन में झाग आने लग जाए तब तक हमें भूनना है। और जैसे ही बेसन भुना जाए हम उसमें बारीक कटी हुई पालक डाल देंगे जो हमने थोड़ी सी बचा ली थी। अब हम पालक को लगातार चलाते हुए भुनेंगे। पालक को तब तक पकाना है जब तक उसका कच्चा फ्लेवर चला ना जाए। जितने अच्छे से हम पालक को पकाएंगे सब्जी का टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा, इसलिए इसे अच्छे से पकाना जरूरी है। अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं पालक को पकाते हुए। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी में थोड़ी सी कम डाल रही हूँ। आप हल्दी ना डालना चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो और लाल मिर्च को भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमने पालक को ब्लांच करते समय 2 हरी मिर्च काट के डाली थी। लाल मिर्च और हल्दी को पकाने के बाद जैसे ही ऑयल निकलने लग जाए हम इसमें यह पालक की प्यूरी डाल देंगे जो हमने पीस के रखी थी। पालक को पीसते समय मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी यूज़ किया था। आप जितना हो सके कम से कम पानी यूज़ करें या फिर कम से कम आइस क्यूब डालें वरना इसे पकाने में बहुत टाइम लग जाएगा। पालक के साथ ही हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। पालक की सब्जी में पहले नमक कम ही डालें क्योंकि यह कुक होने के बाद कम हो जाती है तो नमक बढ़ जाता है। और यह धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। पालक का अपना टेस्ट भी थोड़ा सा नमकीन ही होता है, इसलिए नमक कम ही डालें। यदि पीसते समय पालक में आपने पानी ज़्यादा डाला होगा तो पालक इस समय बहुत उछलती है, तो आप इसे लीड से कवर ना करें। यदि पालक को ढककर पकाएंगे तो उसका कलर काला हो जाएगा। यदि आपको ढकना पड़े तो आप 1/2 ढक्कन ही ढकें। अब यह देखिए, टोटल 8 से 9 मिनट हो गए इसे पकाते पकाते। जब इस तरह से पालक पैन छोड़ने लग जाए तब तक उसे अच्छे से पकाना है। तभी सब्जी का टेस्ट बढ़िया आएगा जब पालक अच्छे से पकेगी। अब हम इसमें घर की बनी हुई फ्रेश मलाई डाल देंगे। 3 चम्मच मलाई डालेंगे, आप क्रीम भी डाल सकते हो इसमें, और मिक्स कर लेंगे। यह ध्यान रहे, पालक पहले अच्छे से पूरी पक जानी चाहिए, उसके बाद ही मलाई डालें। मलाई के बाद हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे और साथ में 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे।
गरम मसाले के बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से रब करके डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से डालकर देखिए बटर और मलाई। होटल में भी जब लहसुनी पालक बनाई जाती है तो क्रीम जरूर डाली जाती है। कलर देखिए आप सब्जी का, कितनी देर से हम पका रहे हैं फिर भी अभी भी ग्रीन ही है। और स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह से जब आधी पालक की प्यूरी बनाकर डाली जाती है और थोड़ी सी पालक को काट कर डालते हैं तो सब्जी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया आता है। और अब 2 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए और ऑयल भी छूटने लगा है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम तड़का रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच घी ले लेंगे और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम उसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर चला लेंगे। जीरे की खुशबू निकलने लग जाए तब तक चलाएंगे। और जीरे के बाद ये देखिए मैंने 1 सूखी लाल मिर्च को खड़ा रखा है और 2 मिर्च को छोटा छोटा हाथों से तोड़ लिया है। इसे डाल देंगे और चला लेंगे। और सूखी लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें ये लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। लहसुन की कली को बड़ा बड़ा ही काट लिया था मैंने, बारीक बारीक चॉप नहीं करना। तड़के के लिए हम लहसुन को बड़ा बड़ा ही काटेंगे। लहसुन इस तरह से जब ब्राउन हो जाए तब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। तिल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं इसलिए गैस ऑफ कर दे पहले, उसके बाद ही तिल डालें। और गरम गरम तड़का हम सब्जी के ऊपर डाल देंगे। सब्जी को मैंने प्लेट में निकाल लिया था। लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तड़के के लिए आप घी का ही यूज़ करें, ऑयल यूज़ ना करें। और ऊपर से थोड़ी सी मलाई भी डाल देंगे और मलाई के साथ थोड़ा सा बटर भी डाल देंगे और ये हमारी सब्जी रेडी है। तो आप भी लहसुनी पालक की ये लाजवाब सब्जी बनाएं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। मैंने जो बातें आपको बताई है वह बातें ध्यान में रखते हुए बनाएं तो आपकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए।